हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन एंड वेलकम बैक टू टेक प्लस gadgets.com। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ को मैं टेक न्यूज़ हैशटैग टेक न्यूज़ के से रिलीज़ करने जा रहा हूँ। तो ऐसी वीडियोस मैं हर दिन लाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको टॉप 5 टेक न्यूज़ हर दिन आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहली न्यूज़ निकल के आती है वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस ने एक वैलेंटाइन डे ऑफ़र रिलीज़ किया है, जो आप जिसमें आप बंडल्स जो होते हैं उनके वो खरीद सकते हैं। बंडल द सेंस क्या, वन प्लस 60 के साथ आप ईयरफोन्स खरीद सकते हैं, जिसमें वो थोड़ा बहुत प्राइस कटिंग कर देंगे। जैसे 35,000 का फ़ोन है और 4,000 का ईयरफोन्स आता है, तो आपको वो दोनों करीब करीब 36,000 में मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ करके वो ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। तो आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो वन प्लस का आप बंडल ऑफ़र दे सकते हैं, बहुत अच्छा ऑफ़र है। और दूसरी न्यूज़ निकल के आती है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी की जो S10 जो लीक्स जो जिसकी इमेजेस बहुत ज़्यादा लीक्स हो रही हैं इंटरनेट पे, उसकी एक परफेक्ट पिक्चर आई है, जो कि आप देख सकते हैं है कि सैमसंग गैलेक्सी S10e जिसको कह रहे हैं, वो थोड़ा सस्ता फ़ोन होगा एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S10। एंड स्पेसिफिकेशन भी उसके थोड़े से कम होंगे S10 के कंपेरिजन में, बट ये फ़ोन थोड़ा सस्ता होगा। और इसमें जो कैमरा है वो पंच होल की तरह है, कि जो साइड में राइट साइड में आप देख सकते हैं एक होल है, जो वो कैमरे की तरफ से पूरा डिस्प्ले दिया गया है। ये जो इमेजेस है ये ऑफिशियल इमेजेस हैं, जो पूरी तरीके से लीक हुई हैं। जो तीसरी न्यूज़ निकल के आती है वो भी एक ऑफ़र है रियलमी की तरफ से। रियलमी एक फ़ोन की ब्रांड है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, तो आप रियलमी का फ़ोन जो है वो भी डिस्काउंट में ले सकते हैं। 4 से 7 फरवरी के बीच में इसमें ऑफ़र चल रहा है। 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आपको, और 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एक्सचेंज में कोई और फ़ोन खरीदते हैं रियलमी खरीदते हैं तो आपको 1,000 रुपये और डिस्काउंट मिलेगा। और इसके कुछ और प्रोडक्ट एसेसरीज़ हैं, जैसे बैग्स हुआ और ईयरफोन्स वगैरह हुआ, तो उस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चौथी न्यूज़ जो निकल के आती है वो निकल के आती है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की। जो नॉइस शॉट्स करके एक कंपनी है, उसने एक नॉइस शॉट X3 निकाला है। तो इन्होंने एक ईयरबड्स निकाले हैं जो वायरलेस हैं, और इसकी कीमत उन्होंने 4,000 रुपये रखी हुई है। सिर्फ 4,000 इसकी कीमत रखी है। उसकी स्पेसिफिकेशन IP4 है, जो मतलब वाटर रेजिस्टेंस वगैरह है। इसका 50 mAh की बैटरी है, और जो इसका केस होता है जिसमें ईयरबड्स को रखा जाता है उसकी 1500 mAh की बैटरी उसकी है। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने ईयरबड्स निकाला है इंडिया के लिए, और बहुत लाइट वेटेड भी है, ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा। तो आप वो परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन साइट से और उनकी ऑफिशियल साइट से। तो इस ईयरबड का नाम है नॉइस शॉट X3। आखिरी न्यूज़ जो निकल के आती है वो आती है 5G से रिलेटेड। 5G आज की इंडस्ट्री में स्नैपड्रैगन और जो स्नैपड्रैगन 855 है वो सपोर्ट कर रहा है, बट बात ये है कि 5G रेडी है, लेकिन डिवाइसेस उसके लिए रेडी है या नहीं है वो बात निकल के आती है। क्योंकि जो तीन बड़ी कंपनियाँ हैं LG, सोनी, HTC, वो पिछले कुछ दिनों से उनके फ़ोन्स की बिक्री उस लेवल की नहीं हो रही है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि जो बाकी की कंपनियाँ हैं जो चाइनीज़ कंपनी है उसको ओवरटेक कर रही है। तो उस वजह से उनके जो सेलिंग ब्रांड है वो बहुत कम हुआ है, तो ऐसा कहा जा रहा है टेक क्रंच की तरफ से। ये वो न्यूज़ निकल के आती है कि क्या 5G के लिए ये तीनों फ़ोन रेडी हैं। अगर नहीं है तो इनकी डेथ होने वाली है अगर 5G पूरी तरीके से आ जाता है इंडिया में तो। और जैसे सैमसंग हुआ, एप्पल हुआ, हुआई, ये एक ऐसी ब्रांड है जो हमेशा पॉपुलर रहे हैं, तो इन तीनों में तो फिक्स है। और बाकी के शाओमीज़ वगैरह हैं जो आगे चल के 5G लेकर आएंगे, तो इन फ़ोन में 5G का आना बहुत लाभदायक होगा उनकी कंपनी के लिए, बट प्रॉब्लम हो सकती है LG, सोनी, HTC जैसी कंपनीज़ के लिए। तो ये थी 5 टॉप न्यूज़, और ऐसी न्यूज़ मैं आपके लिए हर दिन लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को टेक प्लस गैजेट्स, और सब्सक्राइब का एक बटन है उसको दबाइए और लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।